गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और आज हम लोग जा रहे हैं अलीबाग। हमारी पैकिंग वगैरह हो चुकी है सारी। तो अगर आपने हमारे पैकिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं कि हमने वहाँ के लिए क्या क्या पैक किया है। शौर्या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है जाने के लिए। एंड अभी हम जस्ट मतलब 11:30 हो गए, तो हम लोग निकलेंगे आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर। चलिए चलते हैं और मिलते हैं अलीबाग में। यस, कहाँ? यहाँ हम करा रहे हैं चेक इन, बिकॉज हमने यहाँ आके ही होटल बुक करी थी। और ये है हमारा रूम, और मैं आपको देती हूँ उसका पूरा रूम टूर कि किस तरीके का क्या है। चलिए देखते हैं। ये है रूम का एंट्री गेट, और यहाँ पे पास में ही एक विंडो है जिससे आप हील व्यू देख सकते हैं आराम से। यहाँ पे ये बहुत छोटी सी विंडो थी वैसे, एंड इसके जस्ट पास में जो मेन गेट था, एंड इस तरीके का व्यू यहाँ से दिखता है। इसके पास में था हमारा बेड, थोड़ा सा स्पेस देके। बेड काफ़ी सही था, एंड पूरी फॉल्स सीलिंग जो होती है वो की हुई थी, एंड एक हमको कबर्ड थी, मतलब कबर्ड थी छोटी, एंड एक टीवी यूनिट था, एंड यहाँ पे फुल साइज़ मिरर, बेड साइड टेबल, एंड एक अलग से एक टेबल और बनाई हुई थी मतलब, एंड एक चेयर थी, और यहाँ पे एक विंडो और थी, इसके ऊपर एसी है, एंड यहाँ से आपको दिख सकता है यहाँ का लॉन का जो व्यू है वो। एंड इसके पास में ही एक जो स्विमिंग पूल भी था इसके अंदर, वो तो हम नहीं यूज़ कर पाए। यस, एंड यहाँ पे इसके पास में था ये बाथरूम, काफ़ी सही था, एंड इस तरीके से पूरा था, एंड नीट एंड क्लीन था पूरा, बहुत ही अच्छा। इस होटल की डिटेल जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, इन केस अगर आप जाएं और बुक करना चाहें तो। ये आई थिंक अलीबाग से 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पे है। दिस इज़ द रूम। अब हम जा रहे हैं अलीबाग बीच, जो कि होटल से आई थिंक 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था ये, तो पास में ही मिल गया था हमको। बहुत सही रहा क्योंकि आने जाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, एंड जस्ट पास में जाके हम लोग आराम से चले गए, बहुत दूर भी नहीं है। यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी हम पुष्कर जी आ गए हैं, जैसे सेम पुष्कर जी वाला मुझे ऐसा लग रहा था। इस तरीके से, एंड पूरा मतलब बच्चों के सारे टॉयज़ वगैरह जो बीच पे खेलने के वो भी सारे अवेलेबल थे यहाँ पे। इस तरीके से यहाँ पे था। हम लोग पहुँचे थे लगभग 5 बजे के लगभग पहुँचे थे हम लोग। अभी जो कोलाबा फोर्ट था वो ओपन था, तो हम लोग सबसे पहले वहीं पर गए थे। एंड ये अलीबाग जो लिखा हुआ था पूरा लेटर्स वाला, उस पर कलरिंग वगैरह हो रही थी अभी, एंड इस तरीके से मतलब सनसेट का टाइम था, तो इतना ज़्यादा अच्छा टाइम था, बहुत ही मतलब व्यू जो था ना बहुत अच्छा था। और कोलाबा फोर्ट से तो जो व्यू आता है ना, वो माय गॉड, आप मतलब उसको तो वहाँ जाके ही फील कर सकते हैं, उसको तो मैं बता ही नहीं सकती कि कितना अच्छा था। तो यहाँ से बोट जाती है जिसमें आप जा सकते हैं, एंड बोट आजा मेरे पास आजा पंडित पापा जी पास जाना। कितने का है? 25। वो केरी बंदरी भाग रही है। ओ केरी मिनाटी। केरी मिनाटी। केरी मिनाटी टू। अरे डोगी। पंडा रुके क्यों? हाँ छोटे छोटे डोगी। प्यारे प्यारे। चलो मंदिर चलते हैं। जाके वो
सो यहाँ पे एक मंदिर था एंड पूरा मतलब एकदम घर के अंदर, घर थे उस साइड बहुत सारे एंड उसी के साइड में ये एक मंदिर बना हुआ था। तो अगर आपको दर्शन वगैरह करना हो तो आप यहाँ पे भी आप जा सकते हैं। वैसे फोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है, मंदिर सी है, आई थिंक चार मंदिर हैं या पांच ऐसे कुछ मंदिर हैं, तो वही सब है फोर्ट में। और बहुत ही पुराना फोर्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा, और इसमें ना मतलब पूरी दीवारें वारे पूरी ऐसी टूटी फूटी सी है। सो वो मंदिर तो था बिल्कुल एंट्रेंस पे, और अब हम चलते हैं फोर्ट के आगे की तरफ यानी पूरा अंदर की तरफ, और दिखाते हैं फोर्ट के अंदर और क्या क्या है। तो ऐसे पानी इकट्ठा करते थे कि भाई पीने के लिए पानी कहाँ से आएगा। वो कछुआ है, टर्टल है, टर्टल कहाँ है दिख रहा है? हाँ 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 मुझे भी दिखा टर्टल एक। इधर से जा रहा हूँ, बाय बाय पांडा, पांडा बाय। हाउ यू फीलिंग? मेरा इतना पैसा बर्बाद करके भगवान के हाथ जोड़ते हैं। अभी तो जोड़ गए भगवान। इसको तो पानी में खेलना है ना पांडा। मामा डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स गो। चलो चलो दिखाओ यार, बच्चों के साथ घूमो भी, कोई घूमो भी ऐसा कुछ नहीं है। घुमा रहा हूँ भाई, घूम नहीं रहा हूँ। थोड़ा बहुत तो परेशान करेंगे, ठीक है? पूरा बहुत, थोड़ा बहुत क्या होता है? नो मुश्किल। ये है पांडा जी के पापा जी। मुझे अच्छा नहीं लगता लेकिन सुमन की वजह से पहन रहा हूँ मैं, इसको सिलाई से। ओके हमें पसंद नहीं है ये फाड़ दे मुंडो। अभी हम लोग जा रहे हैं वापस बीच पे, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्ट है वो होने वाला है बंद। तो हम लोग को मतलब वैसे तो टाइम पे आए थे हम लोग सनसेट के टाइम पे, बट स्टिल मतलब आप फोर्ट पे आप कितनी भी देर बैठ सकते हैं। एंड अब हमें जाना है बीच पे क्योंकि शौर्या को करनी है मस्ती वहाँ पे, और वो सीट स्पेशली आई बीच के लिए ये। सो
जा रहे हैं वापस होटल, क्योंकि बहुत ज़्यादा मच्छर हो थे, मतलब वहाँ पे ये अंधेरा भी हो गया था एंड बहुत ज़्यादा मच्छर काट रहे थे। तो हमने सोचा कि इसको कल सुबह मॉर्निंग में जब वापस जाएंगे तो उससे पहले एक बार यहाँ पे वापस ले आएंगे बीच पे, तो ये आराम से खेल पाएगी क्योंकि इसको बीच बहुत पसंद है शौर्या को। सो इस वजह से हमने सोचा, क्योंकि मुझे जाना था अपने फ्रेंड के घर, मेरी एक फ्रेंड है वो रहती है अलीबाग में, तो हमने सोचा उसके घर जाने से पहले हम उसको यहाँ पे वो आराम से मस्ती वगैरह कर लेगी एंड उसके बाद हम निकल जाएंगे। सो अब ये दोनों कर रहे हैं यहाँ पर मस्ती और हम लोग वेट कर रहे हैं खाने का, कि फूड का ऑर्डर किया है वो अभी तक आया नहीं है। सो इस वजह से एंड अब मैं आपको दिखा देती हूँ होटल के बाहर का व्यू किस तरीके का है। सो जैसे हम से निकलते हैं पास में इस तरीके का एक मतलब काफ़ी स्पेस दिया हुआ है बीच में एंड यहाँ पे आप बैठ सकते हैं एंड यहाँ से व्यू दिखता है नीचे लॉन का एंड पास में एक मतलब मंदिर है तो वो है एंड सारा आपको पूरी होटल का मतलब अच्छे सा एक बहुत अच्छा सा व्यू दिखता है। सो ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा लॉन था इस होटल में, नॉर्मली ऐसे होता नहीं है क्योंकि आई थिंक ये थोड़ी सी दूरी पे है, मेन मार्केट में नहीं है इस वजह से। सो इस तरीके का ये पूरा था एंड स्टेयर से नीचे उतरते टाइम भी काफ़ी मतलब कोटेशन वगैरह लिखे हुए थे काफ़ी अच्छे एंड दिस इज़ द व्यू एंड आई थिंक काफ़ी अच्छा जो है स्पेसियस जो स्पेस वगैरह था मतलब काफ़ी सही था। सो या सो नेक्स्ट मॉर्निंग हम लगभग 10 बजे के लगभग हम निकले थे होटल से ब्रेकफास्ट वगैरह करके एंड बाय बाय रूम। सो उसके बाद हम डाइव गए थे बीच पे एंड आई थिंक 12:30 के लगभग तक हम लोग यहाँ पे थे एंड उसके बाद हम निकल गए थे मेरे फ्रेंड के घर एंड वहाँ से हम आए थे शाम तक घर पे। सो अगर आप चाहते हैं अलीबाग जाना तो वहाँ पे पर्टिकुलर ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक दिन में नहीं घूम सकते, आप सुबह जाके शाम को भी आराम से आ सकते हैं। हम जस्ट फॉर के शौर्या थोड़ी परेशान ना हो जाए बाइक पे, क्योंकि हम लोग बाई रोड और एंड बाइक पे गए थे, सो दैट्स वाई। एंड अगर बच्चे ना हो तो आप आराम से एक दिन में घूम फिर के आराम से शाम तक यानी रात तक आराम से आप घर पर आ सकते हैं। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग और किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय।